फ्रेंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाई जा रही है फ्रेंड, आपको इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फ्रेंड मेरी शक्तियों को आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। तो हेलो फ्रेंड यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दोस्त के व्हाट्सएप को अपने फ़ोन पे कैसे चला सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। और फ्रेंड वो सामने वाले फ्रेंड को आपको पता भी नहीं चलने वाला है, आपके फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका व्हाट्सएप है उसका व्हाट्सएप है वो आपके फोन में चल रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कि आपने उसके व्हाट्सएप को हैक करके रखा है। ऐसे ही मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ। फ्रेंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी, बट फ्रेंड उनमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया है, और कुछ तो ऐसी वीडियो है जो कि सारी की सारी फेक वीडियो है। अच्छा, बट फ्रेंड आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। तो फ्रेंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाई जा रही है। फ्रेंड आपको इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फ्रेंड मेरी शक्तियों को आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके भाई का नाम एहसान है और आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दो फोन की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपका एक फोन हो गया, और हाँ फ्रेंड जो आपका सेकंड फोन है, जो आपके सेकंड मतलब कि आप जिस फोन को हैक करना चाहते हैं, जिस व्हाट्सएप को हैक करना चाहते हैं, उसके फोन को आपको लेना पड़ेगा। 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आपको उस फोन को लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड जो वीडियो मिलती है आपको कि बोलते हैं बिना आपको मोबाइल लिए हुए आपका जो व्हाट्सएप है वो हैक हो जाएगा, तो फ्रेंड ऐसा मैं आप डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो सारी की सारी जो वीडियो होती हैं वो फेक होती हैं, और जो आपका टाइम होता है वो बेस्ट होता है। बट फ्रेंड आज की वीडियो में पूरा आपको जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूँ, एक एक सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना बिना स्काइप करे। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको यहाँ लगा दूंगा, दो फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दूंगा। तो फ्रेंड सबसे पहला जो अपना फोन होगा, एक फोन अपना हो जाएगा और दूसरा फोन आपको अपने दोस्त का ले लेना है 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो बस इतना ही आपका काम है। उसके बाद में सारा का सारा जो काम रहेगा वो अपने फोन में ही रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि आप अपने दोस्त के व्हाट्सएप को कैसे हैक कर सकते हैं, सारी की सारी चैटिंग आप पढ़ सकते हैं, सारा सारा कुछ अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और फ्रेंड इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है कि उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका फोन जो उसका व्हाट्सएप है वो हैक हो गया है, मतलब कि आप उसके व्हाट्सएप से सारी की सारी चैट पढ़ रहे हैं वो उसको पता भी नहीं चल पाएगा, उसमें कोई मैसेज भी नहीं आएगा। क्या होता है फ्रेंड, आपने बाकी वीडियो में देखा होगा कि आप वेब व्हाट्सएप से यूज कर लेते हैं, बट फ्रेंड उसके पास में नोटिफिकेशन जाती है, नोटिफिकेशन बेल में आपको देखने को मिल जाता है कि जो आपका वेब व्हाट्सएप ओपन है चालू है करके आपको नोटिफिकेशन देखती रहती है, आपके दोस्त को उससे पता चला जाता है कि जो मेरा व्हाट्सएप है वो किसी और के भी मोबाइल में चालू है। तो फ्रेंड ये सब नहीं होने वाला है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में कैसे आपने चालू करके रखा हुआ है उसके व्हाट्सएप को, और आप उसकी सारी की सारी चैटिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं फिर से बोल दूं कि फ्रेंड वीडियो को स्काइप नहीं करना, आपको एक भी स्टेप चूक गया शायद ना बन पाए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, यहाँ से मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी बहुत कम MB का एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है वेब व्हाट्सएप, आप जैसे ही सर्च कर लेंगे कुछ इस तरह से आपके पास में कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर वाला व्हाट्सएप है उसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड प्लीज़ आप स्काइप ना करना वीडियो को, नहीं को आपको बीच में एक भी पार्ट स्काइप हो गया तो आपसे हो सकता है कि ना बनेगा। तो हाँ फ्रेंड यार ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, फिर हम आगे के प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड ये डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा इसका इंटरफेस। तो फ्रेंड आप इसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एग्री करके एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्लिक कर देना है, और फ्रेंड इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इसके बाद में आपका जो काम है वो सारा का सारा काम हो गया है, अब ये थोड़ी देर तक सर्च हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख पाएंगे आप यहाँ पर हमें एक QR कोड देखने को मिल गया है, अब हमारे फ़ोन का काम हो गया है, अब आपको 5 सेकंड के लिए अपने दोस्त के फ़ोन को लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड अब मैं दूसरा फ़ोन आपको लेके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड ये मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया हूँ अपने दोस्त का।
तो फ्रेंड इसके बाद में आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, अपने दोस्त के मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है 5 सेकंड के लिए। फ्रेंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिंक्ड डिवाइस देखने को मिल जाएगा। लिंक्ड डिवाइस देखने के बाद में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, लिंक्ड आर डिवाइस। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको उसमें क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आपको मल्टी डिवाइस बीटा करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। ये नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्वाइन बीटा करके ऑप्शन, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन बीटा पे आप क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड इससे क्या होगा कि जो आपका फ़ोन है इसमें नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप अपने अपने फ़ोन में आसानी से इसे हैक कर सकते हैं। इसको पता भी नहीं चलेगा, इसमें नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन शो होती रहती है नहीं तो बैप व्हाट्सअप करके। इस ऑप्शन से हमारा ये फ़ायदा है कि इसमें मल्टी डिवाइस बीटा करके एक ऑप्शन है, इसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आप देखने को मिलेगा लिंक आर डिवाइस। तो फ्रेंड लिंक आर डिवाइस करने के बाद में एक और ऑप्शन यूज़ मोबाइल डाटा करके आ जाता है। तो फ्रेंड अब फ्रेंड इसमें एक स्कैन कर लेना है क्यूआर कोड, जो हमारे फ़ोन में आया था, इस वाले फ़ोन में जो क्यूआर कोड आया था वही वाला क्यूआर कोड आपको इसमें स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद में इस फ़ोन का काम हो गया है, अब इसे आप बंद करके रख सकते हैं, अपने फ़ोन को दे सकते हैं आपको फ्रेंड को, आपको वापस कर देना है। तो फ्रेंड अब इस फ़ोन में आपको इस फ़ोन में आप आसानी से चला सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को सारी की सारी चैटिंग पढ़ सकते हैं और सारा कुछ इस फ़ोन में आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाने वाली है, इसको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया करके। अब आप अपने दोस्त को ये वाला फ़ोन दे सकते हैं, इसका काम हो गया है और इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपके फ़ोन में इसका व्हाट्सएप है वो हैक हो गया है। तो हाँ फ्रेंड इस तरह से आप अपने दोस्त के व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं और जो उसकी चैटिंग वगैरह होती है सारी की सारी पढ़ सकते हैं, और जैसे व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं वैसे आप अपने फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ फ्रेंड यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना। चलिए फ्रेंड यार हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।